नमस्कार दोस्तों, जी के रफ्तार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। दोस्तों, एसएससी द्वारा जो एलएम का एग्ज़ाम दिया जाना है उसके अंदर पेपर सॉल्वर गैंग है वो एक्टिव हो चुकी है और उसमें से एक गैंग को गिरफ्तार भी किया गया है। ये न्यूज़ आप देख सकते हैं, असिस्टेंट लाइनमैन एलएम के पेपर से एक दिन पहले पकड़े गए जालसाज। ग्राम सचिव के पेपर लीक मामले से हरियाणा पुलिस ने सबक लिया है और कई जिलों में रविवार को एलएम का पेपर होगा उससे पहले ही पुलिस अलर्ट हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार इसार के CIA स्टाफ को सूचना मिली कि इसार के गांव बिठमड़ा निवासी तीन युवक कुछ युवकों को पेपर सॉल्व करवाने की तैयारी में है। ऐसे में CIA ने शनिवार सुबह 6 बजे के करीब तीनों को उनके घरों से ही राउंड अप कर लिया है। उनमें से एक युवक बिजली विभाग में लाइनमैन भी है। जानकारी मिली है कि एक युवक का अपना व्यवसाय है, दूसरा प्राइवेट नौकरी करता है। हालांकि पुलिस ने इसकी पूरी पुष्टि नहीं की है। 5 जिलों में आयोजित होगी परीक्षा। यह परीक्षा प्रदेश के 5 जिलों में आयोजित होगी जिसमें कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और गुरुग्राम जिले शामिल है। दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इसी एक गैंग को पकड़ा गया है, ऐसी ही कितनी ही गैंग सक्रिय होगी और कितने अपने मंसूबों में सफल हो जाएंगे इसका किसी को नहीं पता है। हो सकता है कि कोई गैंग ऐसा करने में सफल भी हो जाए कि वो अपना पेपर बच्चों को सॉल्व करवा दें। तो इस प्रकार जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनको भविष्य के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। इस पर और सख्ती से सरकार को कदम उठाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में ये एक छोटी सी और महत्वपूर्ण जानकारी थी। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।